हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज मित्रों आपको शुगर रोग के उपाय बताऊंगा, आपको ज्योतिष उपाय बताऊंगा। शुगर रोग यानी कि डायबिटीज, अगर किसी व्यक्ति को शुगर का रोग है तो उसे अपने डॉक्टरी इलाज के अलावा क्या ज्योतिष उपाय करने चाहिए जिससे कि उसका शुगर रोग नियंत्रित हो जाए, यानी कि उनकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाए। आज मैंने ये वीडियो इसी पर बनाया है। अपना वीडियो आगे बढ़ाता हूँ, उससे पहले आपसे विनम्र आग्रह है, जो लोग ज्योतिष में विशेष रुचि रखते हैं, ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा में है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरे YouTube चैनल पर ज्योतिष वास्तु और हस्तरेखा की नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी। तो मित्रों बात करता हूँ शुगर रोग की, यानी कि डायबिटीज। बात करूँ तो शुगर रोग के बारे में तीन ग्रहों को विशेष जुम्मेवार माना जाता है, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र। ये तीन ग्रह ऐसे हैं जो कि शुगर रोग का कारण माने जाते हैं। इसके अलावा शनि और राहु को भी शुगर रोग का कारण जो है वो कहीं कहीं बताया गया है। तो मित्रों सबसे बड़ा कारण है शुक्र ग्रह और बृहस्पति, यानी कि विनस प्लेनेट और जुपिटर। तो मित्रों बृहस्पति ग्रह जब खराब होगा तो व्यक्ति को चटपटी चीजें खाने का बहुत शौकीन होता है ऐसा, और ऐसे व्यक्ति को एसिडिटी बनने की समस्या बार बार बनी रहती है। बहुत ज्यादा एसिडिटी बनने की शिकायत उन लोगों को रहती है जिनका बृहस्पति ग्रह खराब होता है, जिनका जुपिटर प्लेनेट अच्छा नहीं होता। और शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह भी शुगर रोग के लिए जिम्मेवार कहा गया है। जो लोग जिन लोगों का शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लेनेट अच्छा नहीं है, उन्हें भी इंसुलिन की प्रॉब्लम रहती है, उन्हें भी उनका इंसुलिन भी काफी कम होता है, या बहुत ज्यादा इंसुलिन बनने के कारण भी उनको शुगर रोग से एक ही समस्या आ जाती है। कि अगर शुगर रोग है यानी कि डायबिटीज है तो क्या ज्योतिष उपाय करने चाहिए। तो मित्रों आपको ज्योतिष उपाय बताने से पहले फिर आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अपना डॉक्टरी इलाज जरूर जारी रखें, उसके अलावा आपको ज्योतिष के उपाय भी जरूर करने चाहिए। तो मित्रों सबसे पहला उपाय है, हमारे प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों में ये बताया गया है कि शुगर का रोग हो तो गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। श्री गणेश जी महाराज की पूजा करने से शुगर नियंत्रित होती है, इंसुलिन नियंत्रित होता है। वो इसलिए मित्रों की पेनक्रियाज यानी आपका अग्नाशय, यानी कि जन्म कुंडली का पंचम भाव अग्नाशय का स्थान है, यानी कि पेनक्रियाज का स्थान है। तो पेनक्रियाज जब आपका अच्छा नहीं रहता या उसकी उसका काम जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है, उसी वजह से इंसुलिन बनने में मुश्किल आती है, तो गणेश जी की पूजा करने से, भगवान श्री गणेश जी की उपासना करने से शुगर रोग पर नियंत्रित हो जाता है। इसके अलावा आपको प्रतिदिन शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम शय शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप जरूर करें मित्रों। इसके अलावा आप जिस मकान में रहते हैं उस घर का, उस मकान का अग्नि कोण और ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट, ये दोनों कोने, ये दोनों स्थान वास्तु सम्मत जरूर करवा लेने चाहिए मित्रों। अगर ये दोनों स्थान वास्तु सम्मत है तो फिर आपकी शुगर पर नियंत्रण निश्चित रूप से हो जाएगा, और संभव है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति को कभी शुगर रोग होता ही नहीं। और बृहस्पति ग्रह के उपाय भी किए जा सकते हैं, उसके लिए पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए, भगवान श्री विष्णु जी की उपासना जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करने से भी शुगर रोग पर काफी नियंत्रण होता हुआ देखा गया है, तो आपका नियंत्रण भी हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। पीले रंग की चीजों का दान करने से आपका शुगर रोग काफी ठीक हो सकता है, काफी कंट्रोल